हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। उससे पहले बात, कल हमने बात किया था मार्केट अगर इस हाई को निकालता है, कल के हाई को निकालता है तो हम एक कॉल साइड में प्लान करेंगे जो टारगेट हमारे यहाँ तक आ सकता है। लेकिन मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग गैप अप हुई, स्लाइटली गैप अप ओपन आपका हुआ मार्केट पे, वहाँ से एक बेरिश टाइप का कैंडल बनाया, फिर इस एरिया में कंसोलिडेट किया, फाइनली इसको ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करके छोटा सा टारगेट हमको अचीव किया किसी ने ट्रेड किया हुआ तो। और देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बनाया मार्केट में, और फाइनली जब मार्केट ने यहाँ पे एक तरह से डबल टॉप पैटर्न बना के आप देखेंगे ब्रेकडाउन दिया। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा मार्केट में जब कंटिन्यूअस कई दिनों तक तेजी रहती है तो ये तेजी को एब्जॉर्ब भी करना होता है, मीन्स जितने लोगों ने बाय किया है उनको सेल भी करना, तभी वो प्रॉफिट्स को बुक कर पाएंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, तो ये बहुत ही अच्छा मार्केट के लिए, मार्केट हेल्दी है कि मार्केट में करेक्शन आ गया, कम से कम जो प्रॉफिट्स थे ये प्रॉफिट्स जो लेकर निकल गया मार्केट्स लोग। अब बात करते हैं कल बैंक निफ्टी कैसे प्ले करना है। देखिए बैंक निफ्टी क्लियर एक रेंज डिसाइड हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये आपका लेवल 35,200 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है अपर साइड के लिए, और नीचे के लिए आपका 34,758 लेवल, यानी ये लेवल, ये आपका एक बैंक निफ्टी का रेंज हो गया। आपके थर्सडे को एक्सपायरी है ध्यान रखिएगा, तो उसके हिसाब से प्लान करना है कि जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक आपके लिए नो ट्रेड जोन रहेगा, कोई भी आप इसमें ट्रेड नहीं ले पाएंगे। क्लियर, अगर लेना है तो आप स्कैल्पिंग कर पाएंगे, यहाँ पर जाता है अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो फिर आप छोटा सपोर्ट ले सकते हैं, और यहाँ पर जाता है अगर तो फिर चीप आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो आपको कोई रैली आएगी तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपका 34,133 तक हो जा सकता है मार्केट। क्लियरली अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन फर्स्ट आपका लेवल ये 34,345, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 35,800 जो ये आपका डबल टॉप बनाकर गया है मार्केट, यहाँ तक आपका रेजिस्टेंस है 35,600 की लेवल। क्लियर, तो ये क्लियरली आपको रेंज है, इस रेंज जब ब्रेकआउट करेगा तभी आप ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। चलिए बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी कैसे ट्रेड को करना है। सेम जैसे बैंक निफ्टी ने किया, निफ्टी ने भी सेम आपका प्रॉफिट बुकिंग आया, निफ्टी ने भी कंटिन्यूअस रैली दिया है, और वहाँ पे यहाँ पे भी डबल टॉप टाइप का पैटर्न, ये तो ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से नीचे है। अब देखिए निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको कल मार्केट ने ब्रेकआउट किया। क्लियर, आज मार्केट इसी के आसपास खुला हुआ और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्लियर, तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया आप देखेंगे, और फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। क्लियर, अब जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया उसका सीधा मार्केट नीचे आया और वापस एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट किसका हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का रिट्रेसमेंट हुआ। तो अब मार्केट में क्लियरली आपको एक रेंज विजुअल होगी कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है और ये लेवल आपका है, ये मतलब दैट मीन 16,700 का अपर साइड में और नीचे के साइड में 16,580 ये लेवल है। इस लेवल को जब तक मार्केट रहेगा तब तक आपके लिए नो ट्रेड जोन रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी नो ट्रेड जोन रहेगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, दैट मीन 16,700 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो मार्केट आपका इस रेजिस्टेंस में, 16,800 और 840 ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल, यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई आप कॉल बाय करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंपलसरी है। सेम वैसे ही अगर आप यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है देन आप यहाँ से इस लाइन तक आ सकते हैं, दैट इज 16,463 यहाँ तक मार्केट आपका आ सकता है, मीन्स मार्केट अब छोटे रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। और थर्सडे का एक्सपायरी है तो होता है प्रीमियम इरोजन भी हो, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, प्रीमियम हाई होने की वजह से ये मूव्स आने हैं। और कल रात में क्या है, फेड की मीटिंग्स भी है तो वहां से भी कुछ क्लोज मिल सकता है, तो उसके रिएक्शन भी मार्केट में हो सकता है। चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक से, कौन से स्टॉक में प्ले करना है, कल किसमें अच्छा पैसा बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम जीएनएफसी की, फ्रेंड जीएनएफसी में देखेंगे जीएनएफसी में कंटिन्यूअस एक रैली बनी हुई थी, रैली बनी हुई है, फाइनली अब जाके प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्लियरली आप देख रहे हैं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको देख रहे हैं, तो क्लियरली आपको क्या करना है, जैसे ही आज कल आप मार्क कर लीजिएगा इस लो को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, अगर या जीएनएफसी अगर इसको लो को ब्रेक करता है तो सिंपली आप इसको सेल प्लान करेंगे और टारगेट आपका इस लेवल तक हुआ, अच्छा खासा टारगेट इसमें आपको मिल सकता है। बात करते हैं लेवल्स की, तो लेवल आपका ये होगा 1684, दैट मीन 684 के नीचे अगर आप जाते हैं तो इसको सेल प्लान करिएगा, आपका एसएल 680 का एसएल आप लगा लीजिएगा, और टारगेट आपका यहाँ तक होगा, टारगेट आपका कहाँ तक होगा, 638 तक का लगा, मतलब काफी अच्छा आपको टारगेट इसमें मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल तक जीएनएफसी आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक से, किसमें से हमको प्ले करना है, बात करते हैं फेडरल बैंक की। आप देखें फेडरल बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया था, ये रेंज ब्रेकआउट का था, ब्रेकआउट को देने के बाद आप देखेंगे पर्टिकुलर एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये एक रेंज इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट एरिया है फेडरल बैंक के लिए। तो फेडरल बैंक में आप दोनों तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया
एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में, अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप सिंपली इस कैंडल के ऊपर जो कि 93.50 है इसके ऊपर बाय प्लान कर पाएंगे। अगर इसको इसने ब्रेक, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर सिंपली आप नाइन जो आपका ये लेवल है 92.65 के नीचे आप सेल प्लान करेंगे डायरेक्टली फेडरल बैंक को। टारगेट इसमें 1:2, आप आसानी अपर साइड में भी और लोअर साइड में ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे ध्यान रखिएगा इस बैंक को। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की जो कि है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी देखेंगे बहुत ही बड़े लेवल को ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करके वापस उसी लेवल को रिटेस्ट करने आ गया है। मतलब जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है उसी को रिटेस्ट करने आ गया है। जो लोग रिटेस्ट का वेट करके, बहुत सारे लोग जो है रिटेस्ट विद स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ट्रेड प्लान करने के लिए, तो उनके बहुत अच्छा अवसर है इसको। अगर यहाँ पे कोई बुलिश इंगल्फिंग बनती है या बुलिश कोई अच्छा इंडिकेशन बनता है, कुछ इस तरह की कैंडल बनती है यहाँ पे अगर, या बुलिश इंगल्फिंग टाइम की कैंडल बनती है, सिंपली आप बाय प्लान करेंगे। बाय का लेवल भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर इस कैंडल का हाई निकाल दिया दैट इज 466.50, इसके नीचे हाई निकाल दिया, सिंपली आप बाय प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 474 का होगा, सेकंड टारगेट आपका 482 का सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए। अगर इसको भी निकाल लेते हैं तो फिर आपका थर्ड टारगेट ये होना चाहिए, थर्ड टारगेट काफी बड़ा होगा। सेल साइड की बात करते हैं, अगर इसको नहीं सपोर्ट कर पाता और यहाँ पे ब्रेक करती है, देन आप सिंपली आप 459 पे आप सेल करिएगा तो आपका टारगेट, पहला टारगेट आपका 444 तक का पहला टारगेट आपका आसानी से अचीव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी, तो इसके एक लाइक तो जरूर बनता, साथ ही इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया उनको भी शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठाकर पैसे बना सके। अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपने जो भी अपडेट्स ट्रेड्स का अपडेट पोस्ट करते हैं तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, एनालिसिस पूरा वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।